जैसा कि ये विदित है कि देश में कल यूपी सहित 5 राज्यों में विधानसभा के आम चुनाव घोषित हो चुके हैं और इस संबंध में मैं खासकर मुख्य चुनाव आयोग से ये कहना चाहूँगी कि यूपी, उत्तराखंड व पंजाब आदि इन राज्यों की जनता में स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के प्रति विश्वास को कायम करने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि चुनाव आयोग यहाँ अपने आदर्श चुनाव आचार संहिता को पूरी शक्ति से लागू कराने के लिए ठोस कार्यवाही अवश्य करें, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हुए चुनावों के दौरान हर प्रकार की धांधली करने तथा सत्ता व धर्म का चुनावी स्वार्थ के लिए अनुचित इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति काफ़ी घातक रूप में बढ़ी है, जिससे चुनाव काफ़ी प्रभावित होता है और इसको लेकर पूरा देश भी काफ़ी चिंतित है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ चुनावों में कोरोना के अति प्रकोप में भी जिस प्रकार से रैलियों व रोड शो आदि के जरिए चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन किया गया है, तो उससे भी पूरा देश काफ़ी हैरत में रह गया है। साथ ही पिछले कुछ वर्षों से चुनावों को विशेषकर धार्मिक रंग देकर जिस प्रकार से संकीर्ण स्वार्थ की राजनीति की जा रही है, तो उस पर भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने की खास ज़रूरत है और इन मामलों में पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का निष्पक्षता के साथ बिना भेदभाव के कानून के मुताबिक काम कराने को सुनिश्चित करने के लिए भी ये ज़रूरी है कि सरकारी मशीनरी में चुनाव आयोग का कानूनी खौफ ज़रूर कायम रहे, तभी यहाँ चुनाव सही से संपन्न हो पाएंगे। हालांकि इस मामले में BSP खुद ही एक अनुशासित पार्टी है तथा आदर्श चुनाव आचार संहिता पर पूरी शक्ति से अमल करने की हिदायत अपनी पार्टी के सभी स्तर के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि को हमेशा देती रहती है। इसके साथ ही ये भी सर्वविदित हैं कि चुनाव को अपने देश में लोकतंत्र का खास त्यौहार माना जाता है। लोकतंत्र में आम जनता को एक व्यक्ति व एक वोट के मताधिकार के जरिए अपनी राय व्यक्त करने एवं सत्ता को जिम्मेदार बनाने का संवैधानिक व लोकतांत्रिक हथियार चुनाव ही है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की बाधा व अड़चन आदि डालने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। ये सब चुनाव आयोग को जरूर देखना है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ मैं अपनी पार्टी के बारे में इस संबंध में ये भी कहना चाहूँगी कि इस चुनाव में मुख्य चुनाव आयोग ने जो भी चुनाव आचार संहिता लागू की है, तो उसका हमारी पार्टी पूरी ईमानदारी से पालन करेगी। ये भी मैं इनको अपनी पार्टी की ओर से विश्वास दिलाना चाहती हूँ। इसके साथ ही ये चुनाव पूरे तौर से फ्री एंड फेयर होना चाहिए, इसके लिए हमारी पार्टी का चुनाव आयोग से विशेष अनुरोध भी है। खासकर दलित व अन्य कमजोर वर्गों के लोग अति संवेदनशील पोलिंग बूथों पर अपना वोट डाल सके, इस मामले में भी चुनाव आयोग को काफ़ी सख्त कदम उठाने होंगे, वरना इन वर्गों के लोग अपना वोट डालने से वंचित रह जाएंगे। इसके अलावा आज मैं इस मौके पर खासकर यूपी की जनता से भी ये कहना चाहूँगी कि यदि यूपी की जनता यहाँ बेहतरीन
कानून व्यवस्था तथा प्रदेश का संपूर्ण विकास एवं हर मामले में वह हर स्तर पर अपना उद्धार एवं उत्थान आदि करना चाहती है। साथ ही प्रदेश में यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोग व सर्व समाज में से गरीब, मजदूर, नौजवान, बेरोजगार, किसान, व्यापारी, कर्मचारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों के साथ साथ छात्र, युवा, महिलाएं व बुजुर्ग आदि भी अपना हित एवं कल्याण चाहते हैं, तो इन्हें फिर इस चुनाव में विरोधी पार्टियों के खासकर विभिन्न रूपों में जारी किए गए या जारी होने वाले इनके प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों आदि के बहकावे में कतई भी नहीं आना है तथा ना ही इन्हें अपना वोट किसी भी प्रकार की भावनाओं में बहकर करना है, बल्कि अपने हितों में अजमाई हुई अपनी पार्टी बीएसपी को ही अपना वोट देना है, जिसकी कथनी व करनी में कभी भी कोई अंतर नहीं होता है, जिसे यहाँ की जनता अच्छी प्रकार से जानती भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल बीएसपी ही एक ऐसी राजनीतिक पार्टी व मानवतावादी मूवमेंट भी है जो अपनी नीति व कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों का व विभिन्न क्षेत्रों में लगे विशेषकर गरीबों, मजदूरों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के हितों का भी पूरी निष्ठा व ईमानदारी से ध्यान रखती है और खासकर अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था के मामले में लोगों की चाहत के हिसाब से किसी भी अपराधी को अपनी पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है, यानी कि हमारी पार्टी की सरकार छोड़ती नहीं है, चाहे कोई बीएसपी पार्टी से जुड़ा हुआ ही क्यों ना हो। इसलिए बीएसपी के राज में कानून द्वारा कानून का राज चलता रहा है, जिसका मुकाबला अभी तक यहाँ किसी भी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई है, जबकि दूसरी पार्टियों की रही सरकारों में हर सरकार अपनी पार्टी के अपराधिक तत्वों को बचाती है और केवल दूसरों के खिलाफ ही पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करती है। जैसा कि यूपी में वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हमें काफ़ी कुछ देखने को मिलता है, जिस कारण ही यहाँ अपराधियों का अभी भी जंगल राज चल रहा है और जनता बुरी तरह से त्रस्त है। हर जाति, हर वर्ग के लोग काफ़ी दुखी हैं और इस सरकार में खासकर अपर कास्ट समाज के जो एक तबके के लोग हैं वो तो सबसे ज़्यादा दुखी हैं, जिन्होंने पिछले चुनाव में बढ़ चढ़कर बीजेपी को अपना वोट दिया है। इसलिए ऐसे में इस बार चुनाव में यहाँ बीजेपी की सरकार अपनी सभी कमियों की वजह से जरूर सत्ता से बाहर हो जाएगी, बशर्ते यदि चुनाव में इन्होंने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया तथा वोटिंग मशीनों में भी कुछ गड़बड़ी आदि नहीं की। और हम चाहेंगे कि चुनाव आयोग इन सब मामलों में अपनी शक्ति जरूर करें। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्रदेश में यहाँ एक पार्टी ऐसी भी है जो दूसरी पार्टियों के निकाले हुए लोगों के सहारे व अनेकों पार्टियों के साथ गठबंधन करके इस चुनाव में 403 में से 400 सीटें जीतने का सपना देख रही है और अब इनका ये सपना भी दिनांक 10 मार्च को जरूर हवा हवाई होने वाला है। ये स्थिति हमें बीजेपी व अन्य पार्टियों की भी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में बीएसपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो यूपी की जनता को यहाँ सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर आधारित लोकप्रिय सरकार दे सकती है। वैसे मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता इस बार चुनाव में किसी भी पार्टी के बहकावे में आने वाली नहीं है और यहाँ अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी
बीएसपी को ही सत्ता में जरूर लाएगी, चाहे इस चुनाव में यहाँ सभी सर्वे एजेंसियां मैनेज होकर वोट पड़ने तक भी बीएसपी को रेस से बाहर क्यों ना दिखाती रहे। जबकि इसी प्रकार सन 2007 के चुनाव में भी इन्होंने बीएसपी को रेस से बाहर तथा सपा व बीजेपी को ही रेस में आगे दिखाया था, लेकिन नतीजों में इनका ये सर्वे उल्टा हो गया था और फिर सपा व बीजेपी आदि ये पार्टियां रेस में हमसे काफ़ी पीछे रह गई थी तथा फिर बीएसपी नंबर वन पर आकर रेस में आगे काफ़ी आगे हो गई थी और अब इस बार भी चुनाव में यही होने वाला है। अर्थात सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी रेस में नंबर वन पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ऐसा मुझे यहाँ अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा पूरा भरोसा भी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड स्टेट में भी इस बार हमारी पार्टी पहले से बेहतर रिजल्ट लाएगी, साथ ही पंजाब स्टेट में भी बीएसपी व शिरोमणि अकाली दल गठबंधन की भी वहां श्री सुखबीर सिंह बादल जी के नेतृत्व में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी, जिनको इनके पिता आदरणीय श्री प्रकाश सिंह बादल जी का भी पूरा आशीर्वाद प्राप्त है। और ऐसा हो जाने पर ही तभी फिर यहाँ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर व इनके देहांत के बाद इनकी मूवमेंट को सही गति देने वाले माननीय श्री काशीराम जी आदि का भी अधूरा रा सपना जरूर साकार हो सकता है। इस विश्वास के साथ ही अब मैं आप लोगों को ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि कल चुनावों की घोषणा होने के बाद आज मैंने लखनऊ प्रदेश कार्यालय में उम्मीदवारों के फाइनल चयन करने को लेकर पार्टी के खास खास लोगों की बैठक भी बुलाई हुई है, जो ये बैठक काफ़ी अहम होगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत।